व्यपर्तन योजना में करीब 52 किसानों की भूमि में 8 साल से बीतने पर भी उन्हें मुआवजा नहीं मिला है। शासन से किसानों को मिलने वाली करोड़ों की राशि का अब तक कोई पता नहीं चल पाया है। किसानों ने मुआवजा नहीं मिलने पर आत्महत्या करने की चेतावनी दी है। वहीं एसडीएम ने बताया कि इस मामले पर जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। 9, 10, 11 में मतलब कि अधिग्रहण किया गया जल संस्थान द्वारा, लेकिन अभी तक हम लोगों को मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजा मिलेगा मिलेगा बोलते हैं, हम लोग कलेक्टर के पास जाते हैं, जनरल भी जाते हैं, एडीओ कर भी जाते हैं, और कहीं सभी के हम दो दो मतलब जाके विज्ञान सभी को सौंप देंगे, लेकिन लोग बस आज देंगे कल देंगे परसों देंगे बोलते हैं, लेकिन कभी नहीं देते हैं। गरीब आदमी तो हमारा पैसा भी शासन नहीं दे, और नहीं देने के बाद में आज 10-15 साल बीत गए, और बीते के बाद में आज भी शासन हमारा नहीं देते, तो का मतलब हो शासन कर बात है, कब मिलबो तो कब हमारा शासन दे ही हमारा। अच्छा हम गरीब आदमी कहाँ ले हमन बाल बच्चा ला हमन पोसबो है, हमारे लड़का छोवा कहाँ ले हमन देबो, और कहाँ ले भीख मांग कौन थोड़े देबो यार साहब। बड़ा मुश्किल हो गया है, ऐसे करेंगे तो हमको तो मरना ही है, और क्या है सर, हम लोग को यहाँ नहर बना दिए, छिपा गया सब तरफ से, थोड़ा थोड़ा जमीन है हम लोग का, तो हमको जीना हराम हो गया है। जो जमीन रही तो जमीन में पूरा नहर हर खत्म कर दी, अब आज तक मुआवजा नहीं मिला था। हम लोग बाल बच्चा पाले के ला थोड़े परेशान होते हैं, बनी भूती भी करता, और एक एकड़ मौत तो जमीन रही ज्यादा नहीं है, पट्टा भी देख सकता है। अगर हमको शासन हमारी जमीन का मुआवजा देने में अनदेखी करेगा तो आगे हम कोई भी कदम उठाने को मजबूर होंगे, और जिसका जिम्मेदार शासन हो। भूअर्जन के समय ही मिल जाता है सर, तो आखिर क्या वजह है कि इतना समय लग गया? भूअर्जन प्रकरण पूर्व में इसमें बनाया नहीं गया था, या बनाने में विलम्ब हो गया, इस कारण से उन लोग को मुआवजा नहीं मिल पाया है। अभी भूअर्जन प्रकरण विचाराधीन है, और जैसे ही प्रकरण का निराकरण होगा मुआवजा उन लोग को। जगदलपुर में आदर्श